गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे अ वेरी 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 शॉर्ट एंड ऑब्वियसली स्मार्ट पैराग्राफ। इट्स टाइटल इज माय एम्बिशन इन लाइफ। हर एक की लाइफ का कोई ना कोई एम्बिशन तो होता ही है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई लॉयर और अलग अलग कोई पायलट। इस तरह से हर एक किड बचपन से ही चाहता है कि इसको बड़े होकर क्या बनना है। तो इसको हम पैराग्राफ में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। मैंने ये पैराग्राफ डॉक्टर पर लिखा है। तो माय एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। एट प्रेजेंट आई एम पेन टू सी द डॉक्टर्स। दे हैव नो लव फॉर देयर सफरिंग पेशेंट्स। दे आर आफ्टर मनी। They prefer to work in big hospitals or big cities. तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है लिखने वाले स्टूडेंट्स पर, कि उसने लिखा है कि मैं भविष्य में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इन दिनों देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं, पेशेंट्स की तकलीफ़ पर ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ मनी के पीछे भागते हैं, वो अपनी जॉब बिग हॉस्पिटल्स और बिग सिटीज़ में करते हैं। Very few of them are willing to go to villages. बहुत ही कम डॉक्टर्स जो हैं विलेज में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ सैलरीज अच्छे नहीं हैं। मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर विदाउट इवन अ सिंगल डॉक्टर। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस सफर फ्रॉम मैनी डिसीजेज। पीपल जो इन विलेजेस में रहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैनी ऑफ देम डाई फॉर वांट ऑफ मेडिकल एड। बहुत लोग मर जाते हैं मेडिकल एड चाहते हुए कि उनको इलाज हो, उनका इलाज हो, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, क्लिनिक्स नहीं हैं। माई फर्स्ट केयर एज ए डॉक्टर विल बी टू सर्व इन ए विलेज। तो अगर मैं डॉक्टर सबसे पहले बनूंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं अपनी ड्यूटी कहाँ करूं, एक विलेज में। तो कैसा लग रहा है अभी तक ये पैराग्राफ? डैम श्योर बहुत टची भी लग रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई शेल स्टार्ट अ स्मॉल क्लिनिक इन सम विलेज। आई शेल वर्क विद missionary spirit. I shall give them the best medical treatment. I will not charge any fee from really poor patients. Such is my humble ambition. May God help me to realize it. God मदद करे मेरे ambition को पूरा करने के लिए। और मेरा ambition क्या है कि मैं विलेज में छोटा सा क्लिनिक खोलूँ, उस क्लिनिक में अच्छा सा अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाऊँ, जो पुअर पेशेंट्स हों उनसे मैं फीस ना लूं और उनको अच्छा ट्रीटमेंट दूं। तो दिस इज़ माय एम्बिशन इन लाइफ। आइए इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। एंड 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 किड्स प्लीज़, किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं यहाँ पर, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, देन 200-300-400 व्यूज़ आ रहे हैं। सो डे बाई डे जो मेरा मोटिवेशन है वो लो जा रहा है कि इतना वर्क हार्ड करने पे मैं इस पैराग्राफ को लिखती हूँ, टाइम निकाल कर हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, इंग्लिश में बताती हूँ, देन टू वेरी लेस व्यूज़। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए। माई एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। एट प्रेजेंट आई एम पेन्ड टू सी द डॉक्टर्स। दे हैव नो लव फॉर देयर सफरिंग पेशेंट्स। दे आर आफ्टर मनी। They prefer to work in big hospitals or big cities. Very few of them are willing to go to villages. Most of our villages are without even a single doctor. People living in these villages suffer from many diseases. Many of them die for want of medical aid. My first care as a doctor will be to serve in a village.
I shall start a small clinic in some village. I shall work with missionary spirit. I shall give them the best medical treatment. I will not charge any fee from really poor patients. Such is my humble dream or humble ambition, sorry. May God help me to realize it. So how was the paragraph? I'm damn sure you like it too much. And agar sahi mein aisa hai, to like, share, comment karna bilkul mat bhulna. Thanks for watching. Bye. Have a good day.